एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंकलिंग स्टाइल एंड फैशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वीडियो को जाने से पहले प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके एंड आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट किए थे ये वीडियो बनाने के लिए। सो फाइनली आई एम हियर विथ द मोस्ट अफोर्डेबल मेकअप किट। तो आज मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, मोस्ट अफोर्डेबल मेकअप किट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी एंड आई होप सो ये ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बिगनर्स के लिए। एंड जो लोग बिगनर्स नहीं भी है वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट किसको नहीं पसंद है। तो आज मैं एक पूरा अफोर्डेबल मेकअप किट आपको बताने वाली हूँ। आप अपना खुद का एक, जो लोग बिगनर्स है खुद का, वो लोग एक किट बना सकते हैं मेकअप का। पर मैं जो प्रोडक्ट्स बताऊंगी अफोर्डेबल के चक्कर में जाके मैं यू नो बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट नहीं बताऊंगी। वो अफोर्डेबल तो होगा लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है उसमें। सो मैं जो प्रोडक्ट बताने वाली हूँ वो सब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड उसके साथ ही साथ उसका क्वालिटी बहुत सही है। सो विदाउट एनी फर्दर वी विल स्टार्ट द वीडियो। इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको देने वाली हूँ कि मैं 10 से लेके मैं 16 तक फॉर वन वीक मैं अपना खुद का एक ऑनलाइन मेकअप क्लासेस कर रही हूँ। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, वन वीक के लिए मैं 400 रुपीज़ चार्ज कर रही हूँ। मैं आपको बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें सिखाने वाली हूँ उस वन वीक में। जिसको भी डिटेल्स जानना है मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी, फेसबुक आईडी आप लोग मेरे को कहीं पे भी यू नो डीएम कर सकते हैं। सो जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, जिसको भी सीखना है मेकअप, प्लीज़ डू लेट मी नो। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा मेकअप किट में है वो एक स्किन केयर है, क्योंकि जब भी हम मेकअप करते हैं स्किन को प्रेप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पे मैं ली हूँ पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइज़र। दिस मॉइस्चराइज़र इज़ रियली अफोर्डेबल एंड इसको दोनों ऑयली एंड कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ये पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र है, इसका एक थिक वर्जन भी आता है, उसको ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट इसका छोटा डिब्बा भी आता है। जो लोग बड़े में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं वो छोटे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका कॉस्ट मैं साइड में लिखती हुई जाऊँगी एंड ये सारे के सारा प्रोडक्ट बिलो 300 रहेगा, जो कि आप सबके लिए अफोर्डेबल भी होगा, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा होगा। सो जब भी आप मेकअप स्टार्ट करते हैं सो स्टार्ट विद द गुड मॉइस्चराइजर एंड मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर। द सेकेंड थिंग इन अ मेकअप किट इज अ प्राइमर। प्राइमर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो प्राइमर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। वन इज इनसाइड 3-in-1 प्राइमर। ये प्राइमर एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है बट क्वालिटी वाइज इट्स वेरी गुड। सो द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 240 रुपीज़। ये हमेशा आपको डिस्काउंट में नायका में मिल जाएगा। एंड द सेकेंड प्राइमर आई हैव इन माई लिस्ट इज दिस। सो ये है NYBay का प्राइमर एंड NYBay का प्राइमर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये ट्यूब कुछ 225 रुपीज़ का है बट ये भी आपको हमेशा पर्पल में डिस्काउंट में मिल जाएगा। सो दिस टू प्राइमर आर द मोस्ट अफोर्डेबल एंड बेस्ट प्राइमर आई विल से। यहाँ पे मैं कुछ भी मिस नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे कलर करेक्टर के लिए भी आपको ऑप्शन दूंगी, जो कि अफोर्डेबल रेंज का कलर करेक्टर होगा। सो हियर आई हैव दिस इनसाइड का कलर करेक्टर। ये अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड आपको यहाँ पे पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, उसके साथ साथ आपको कॉन्टोर भी मिल जाएगा दो शेड का। सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो दिस वन इज़ इनसाइड प्रो कंसीलर एंड इसका जो शेड है ये पैलेट का, इट्स इन द शेड 1। इसका कॉस्ट 175 रुपीज़ है बट इट वर्क्स ऑसम। सो द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए वन एंड ओनली बेस्ट ऑप्शन मैं सबको सजेस्ट करती हूँ अफोर्डेबल रेट में इज दिस। सो दिस वन इज़ फिट मी फाउंडेशन। आई एम इन द शेड 228 सॉफ्ट टैन। सो ये फिट मी फाउंडेशन का बड़ा वाला डिब्बा भी आपको मिलेगा एंड छोटा वाला डिब्बा भी मिलेगा। सो जो लोग फर्स्ट ट्राई करना चाहते हैं दे शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस स्मॉलर पैकेजिंग, बिकॉज छोटा वाला डिब्बा अगर आपको अच्छा लगा देन यू कैन इन्वेस्ट इन बड़ा वाला। सो इसका कॉस्ट भी 250 के नीचे ही है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। एंड दिस इज़ सो फार द बेस्ट फाउंडेशन आई विल एवर से। इतना अच्छे से ये ब्लेंड होता है एंड इसका कवरेज भी बहुत अच्छा होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। ये आपके फेस को बिल्कुल भी
क्रीज या ऑयली नहीं करेगा, आपके फेस को ये एक फ्लॉलेस लुक देगा एंड ये आपके फेस को बिल्कुल भी केकी नहीं करेगा. सो आर द बेस्ट फाउंडेशन आई विल से इन अफोर्डेबल रेंज. सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द कंसीलर. इन कंसीलर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है. सो द फर्स्ट इज दिस वन इज स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर. लेट मी शो यू द ब्रांड. सो दिस वन इज स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर. आई नो ये शेड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डार्क करे, गलती से मैं ले आई थी, बट आई एम यूजिंग इट एज अ कॉन्टोर या कुछ करके मैं इसको यूज़ कर दे रही हूँ. दिस कंसीलर इज़ लाइक सो गुड. ये 199 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा कोई भी वेबसाइट में. अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, ये सब में अवेलेबल रहता है 199 में. सो फार द बेस्ट कंसीलर आई विल से, क्योंकि ये इतना अच्छा से यू नो ब्लेंड होता है एंड इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी आपके अंडर आइज को क्रीज नहीं करेगा. सो फार द बेस्ट कंसीलर इन अफोर्डेबल रेंज. सो यू मस्ट ट्राई दिस कंसीलर. एंड द सेकेंड कंसीलर आई हैव माई लिस्ट इज दिस. सो दिस वन इज स्टेक वर्की का कंसीलर. आई नो ये बहुत ही छोटू सा कंसीलर है बट बहुत अच्छा क्वालिटी का कंसीलर है. द कॉस्ट प्रोडक्ट इज 235 रुपीज. लेट मी शो यू इन फ्रॉम इनसाइड. ओके, सो अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखता है. आई नो बहुत छोटू सा कंसीलर है, क्वांटिटी भी इसका कम है, बट क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है एंड अच्छा खासा ये 3-4 मंथ्स आपका चला जाएगा. सो दिस इज़ द बेस्ट कंसीलर आई विल से आफ्टर स्विस ब्यूटी. स्विस ब्यूटी इससे मेरे को ज़्यादा पसंद है. द कंसीलर वी विल मूव टुवर्ड्स कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर. सो जिन लोगों को कॉम्पैक्ट पसंद है वो लोग कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को लूज पाउडर पसंद है उन लोगों के लिए लूज पाउडर में भी मेरे पास ऑप्शन है. सो इफ़ यू आर अ कॉम्पैक्ट पर्सन देन गो फॉर दिस. ये है मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट. सो इट्स कॉस्ट फॉर रुपीज़ अराउंड 220 या 300 के अंदर ही आ जाता है. मैं साइड में मेंशन कर दूंगी इसका कॉस्ट, बट बेस्ट कॉम्पैक्ट है ये अगर देखा जाए तो. बहुत ही अच्छा मैट फिनिश देता है एंड आपके फेस को एक फ्लॉलेस लुक देता है ये कॉम्पैक्ट. इसका शेड रेंज भी अवेलेबल है. कॉम्पैक्ट भी हमको एज यू नो फाउंडेशन के जैसे शेड के हिसाब से लेना चाहिए. कॉम्पैक्ट में भी यू नो शेड अवेलेबल रहता है. सो फिटमी का आपको शेड मिल जाएगा. सो आप अपने शेड के हिसाब से पिक कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर अ लूज पाउडर पर्सन देन गो फॉर दिस. सो दिस वन इज स्टेकवर्की लूज पाउडर और स्टेकवर्की का ट्रांसलूसेंट पाउडर. सो ये 8 ग्राम का प्रोडक्ट है. ये भी आपको अंडर 300 रुपीज़ मिल जाएगा. सो फार द बेस्ट प्रोडक्ट आई विल से स्टेकवर्की का. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड अफोर्डेबल रेंज में ये बहुत सही प्रोडक्ट है. आपके फेस को अच्छे से सेट करता है एंड शुगर के बाद अगर मैं बोलूँ मेरे को ये वाला लूज पाउडर बहुत अच्छा लगता है. आई लव अप्लाइंग दिस एवरी टाइम आई अप्लाई माई मेकअप. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. इसका शेड वेरियंट भी आपको मिल जाएगा. ये आपको बनाना पाउडर में मिल जाएगा, ट्रांसलूसेंट में मिल जाएगा एंड कॉम्पैक्ट का जो शेड होता है उस शेड में भी आपको ये पाउडर मिल जाएगा. तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आई शेडो पैलेट. आई शेडो पैलेट अंडर 300 या अंडर 200 मिलना बहुत मुश्किल है ऐसे सबको लगता है, बट मैं आपको एक बेस्ट 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 आई शेडो पैलेट रिकमेंड करने वाली हूँ जो कि यू नो इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड प्रोडक्ट वाइज क्वालिटी वाइज शायद इससे बेटर आई शेडो पैलेट में अभी तक नहीं देखी हूँ. शेडो पैलेट इज़ सो द आई शेडो पैलेट इज़ दिस. सो दिस वन इज स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट. सो दिस वन इज स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ओनली रुपीज़ 199. ये जो पैलेट है ये शेड नंबर 6 है. आप चाहे तो ये शेड ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कॉन्टोर, ब्लश सब मिल जाएगा. मेरे को पर्सनली ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है. 199 में सो फार द बेस्ट पैलेट आई विल से. इसका यू नो कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है, ना ही यू नो पैची हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं. एंड इसका जो ये ब्राउन शेड है आप इसको एज अ कॉन्टोर यूज़ कर सकते हैं एंड ये शेड को एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं. सो आपका इसी में ही कॉन्टोर एंड ब्लश भी हो जाएगा. सो दिस इज सो फार द बेस्ट आई शेडो पैलेट इन अफोर्डेबल रेंज. सो स्विस ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है जो कि अफोर्डेबल रेंज में यू नो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है. मैं तो ऐसे सोच रही हूँ कि स्विस ब्यूटी का एक वन ब्रांड ट्यूटोरियल भी बनाऊँ. एक ही ब्रांड में आपको सारा अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा. आई विल थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट आई विल गो टूवर्ड्स आईब्रो. अगर आप आईब्रो किट एक अपना यू नो अफोर्डेबल रेंज में लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस.
सो दिस वन इज वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट। ये 300 से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, आई नो दैट, बट ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा है, बेस्ट आईब्रो पैलेट है। इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, आपको इसके साथ एक एप्लीकेटर भी मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ आपको 2 कलर्स एंड एक यू नो वैक्स भी मिल जाएगा जिससे आप आपका आईब्रो सेट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट आईब्रो यू नो पैलेट आई विल से। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज काजल। मैं सबको यू नो कवर अप कर रही हूँ, सो काजल के लिए ऑब्वियसली मैं लैक्मे आइकॉनिक काजल ही रिकमेंड करूँगी क्योंकि दिस इज द बेस्ट काजल आई विल से। बट हमेशा आप लैक्मे का ओरिजिनल वाला आइकॉनिक काजल लीजिए क्योंकि एक डुप्लीकेट वर्जन भी इसका मिलता है जो कि बहुत बेकार है, बट इसका ओरिजिनल वाला काजल बहुत सही है। इसके अलावा आप शुगर का भी काजल ले सकते हैं, मेरे पास है पर पता नहीं मेरे को अभी मिला नहीं सी, सो इसलिए मैं लैक्मे का आपको दिखाई सिर्फ। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मस्कारा। सो मस्कारा के लिए आई हैव दिस वन इज मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। सो दिस इज़ द बेस्ट वाटरप्रूफ मस्कारा इन अफोर्डेबल रेंज। ये बहुत ही ज़्यादा यू नो अच्छा मस्कारा है। इसका जो वॉन्ड है आप देख सकते हैं, ये भी बहुत सही है, आपको एक अच्छा वॉल्यूमिनस एंड लॉन्ग लेंथ वाला आपको लैशेस ये प्रोवाइड करेगा। अफोर्डेबल रेंज में आप मस्कारा ढूंढ रहे हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट मस्कारा आई विल से, मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। वी विल मूव टुवर्ड्स सेटिंग स्प्रे, एंड सेटिंग स्प्रे के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस है। सो द फर्स्ट वन इज़ इनसाइट का मेकअप फिक्सर। सो दिस इज़ द बेस्ट मेकअप फिक्सर एंड दिस इज़ अफोर्डेबल एज वेल एज बहुत अच्छा काम करता है। आई जस्ट लव दिस मेकअप फिक्सर सो मच। ये इतना अच्छा है, ये मतलब मेरे को इससे अच्छा कोई भी मेकअप फिक्सर नहीं लगता है। अफोर्डेबल है बट बेस्ट मेकअप फिक्सर है ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन गो फॉर द स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर ऑल्सो, बट यहाँ पे मैं बोलूँगी कि स्विस ब्यूटी से ज़्यादा अच्छा मेरे को इनसाइट वाला यू नो मेकअप फिक्सर लगा। ये भी अच्छा है बट अगर मैं कंपेयर करूँ सो इनसाइट मेकअप फिक्सर इज़ फार बेटर देन स्विस ब्यूटी। सो अफोर्डेबल रेंज में यू कैन गो फॉर दिस 2 मेकअप फिक्सर। कवर अप कर रहे हैं सो आईलैशेस एंड आईलैशेस ग्लू को भी क्यों छोड़े, उसको भी कवर अप कर लेते हैं। सो अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में आईलैशेस चाहिए देन गो फॉर दिस आईलैशेस। सो दिस वन इज़ पिंक लाइन स्विट्जरलैंड आईलैशेस। आईलैशेस के ऊपर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द अपने चैनल में, बट अफोर्डेबल रेंज में दिस इज़ द बेस्ट आईलैशेस आई विल से। आपको 300 या 400 में 2 to 3 पेयर्स आपको मिल जाएंगे, पर पीस आपको 100 या 200 के आसपास आ जाएगा। बट ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी का लैशेस है, बिल्कुल भी प्लास्टिक एंड फेक नहीं लगता है। एंड अगर आप आईलैशेस ग्लू का ढूंढ रहे हैं सो द बेस्ट आईलैश ग्लू इज़ दिस। सो दिस वन इज़ मिस क्लेयर का आईलैश ग्लू एंड इट्स इन ब्लैक कलर, सो मेरे को थोड़ा ज़्यादा कॉन्वीनियंट होता है अप्लाई करने में। सो दिस इज़ माई 2 रिकमेंडेशन इन अफोर्डेबल फॉर आईलैशेस एंड आईलैशेस ग्लू। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अफोर्डेबल आईलाइनर। आईलाइनर तो बहुत सारे हैं बट माई पर्सनल फेवरेट इज़ दिस। सो दिस वन इज़ लैक्मे का इंस्टा लाइनर, वाटर रेजिस्टेंट लाइनर। ये बहुत अच्छा लाइनर है, इसका कॉस्ट सिर्फ 100 रुपीज़ है, शायद 100 या 150 है, बट सो फार मेरे को ये आईलाइनर पर्सनली बहुत पसंद है। इसका एप्लीकेटर भी बहुत थिन है, बहुत सही है एंड इसमें आपको डिफरेंट कलर का भी आईलाइनर मिल जाएगा। सो आप अगर बिगनर्स हैं एंड एक अच्छा आईलाइनर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन गो फॉर दिस। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है लिपस्टिक का, आप लोग चाहे तो मेरा चैनल में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बट यहाँ पे मैं एक ही लिपस्टिक रखी हूँ, वो है मिस क्लेयर का लिपस्टिक। सो ये वाला लिपस्टिक कुछ थोड़ा यू नो क्रीमी का मतलब टेक्सचर में है, ये आपके लिप्स को चैप नहीं करेंगे, बहुत अच्छा लिपस्टिक है एंड बहुत अफोर्डेबल भी है, 200 से बिलो है शायद ये लिपस्टिक, मैं साइड में मेंशन कर दूंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय अफोर्डेबल मेकअप किट। आप इतने में अपना एक अफोर्डेबल मेकअप किट बना सकते हैं, ऐसे हमेशा नहीं होता कि हमको यू नो कॉस्टली मेकअप किट बनाना होता है। अफोर्डेबल रेंज में भी आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, स्टोर प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में एंड मेरे को सजेस्ट भी कीजिएगा कि क्या वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँ। कम्युनिटी टैब भी खुल गया है सो वहाँ पर भी मैं पोस्ट करती रहूँगी, डू रेस्पॉन्ड देयर। सो लव यू ऑल, थैंक यू।